सड़कों पर झाड़ू लेकर चंद कदम चलने से स्वच्छ होगा भारत, या फिर महज पब्लिसिटी का जरिया बन गया है भाजपा नेताओं के लिए मोदी के स्वच्छ भारत का सपना। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। मोदी के जन्मदिन पर बलिया के भाजपा सदर विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला अपने लाव लश्कर के साथ आवास के पास मौजूद सड़क पर झाड़ू लेकर सफाई का संदेश देने पहुंचे। अब जरा विधायक जी की स्वच्छता को लेकर किए जा रहे बड़े बड़े दावों को सुन लीजिए, फिर हम आपको दिखाएंगे कि असली हकीकत क्या है। पहले सुनिए क्या कहना है भाजपा सदर विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला का। के सभी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का शुभ जन्म दिवस है और माननीय मोदी जी ने जो भारतवासियों को संदेश दिया है स्वच्छ भारत उस हम सब करके और समाज को देश को संदेश देना चाहते हैं कि स्वच्छ जीवन है। हम लोग अपने घर को, अपने आसपास को, गली मोहल्ले को, सड़क को, मंदिर को, सभी को स्वच्छ रखें, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को स्वस्थ जीवन दें प्रयास में एक प्रयास हम लोग। जनपद में यह कार्यक्रम जो आपके द्वारा किया गया कहाँ से कहाँ तक किया गया? देखिए, अभी पिछले समय में पार्टी ने अभियान लिया था हमारा लगभग एक पखवाड़े का, और आज भी पार्टी ने तय किया है कि जैसे बलिया नगर 20 वार्ड है, 25 वार्डों में नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चलेगा। और आज पूरे प्रदेश में यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जो आज मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सांसद, विधायक हर जगह इस अभियान को ले रहे हैं। स्वच्छता की आस एक पल के लिए तो अच्छी लगी, लेकिन जब बलिया भाजपा सांसद भरत सिंह और विधायक के आवास के नाली की जांच की गई तो इलाके की जनता ने बताया कि नाली सालों से जाम है। जो तस्वीर अभी आपको 2 मिनट पहले दिखाई थी सफाई करते हुए, अब ये तस्वीरें जो हम दिखाने वाले हैं ये बिल्कुल इसके उलट है। लोगों ने बताया कि यह नाली सालों से जाम है, सिर्फ सरकारें बदलती हैं, शहर की तस्वीरें नहीं। जरा देखिए इनके बाहर की तस्वीर कैसी है। SPN 9 न्यूज के लिए बलिया से शशि कुमार की रिपोर्ट।